Hi, Hi guys, Imran, Moumin. Welcome to another exciting episode of What's the, the 411? सबसे पहले आप सबको रमजान बहुत बहुत मुबारक हो। रमजान मुबारक। जैसे कि आप सब हमारे हुलियों से देख सकते हैं, रमज़ा आया, रोज़ा रखो जी, नेकी से अब झोली बरो जी, छोड़ो ना बीमारी का बहाना करके, तोबा करो।

उस वक्त दिल भी नहीं करता प्रॉपर खाना खाना बना ओहो, ओहो। <laughs> खैर ये हो गया जिस तरह अपना रमजान स्पेंड करते हैं इसी के बढ़ते हैं सबसे पहले बात करते हैं लास्ट एपिसोड पे आई हुई फीडबैक की तो शुरू करते हैं फीडबैक कौन

और किरण ने कहा कि सबरीना फ़ुरक़ान और मैं बहने नहीं हैं हम लोग दोस्त हैं पिछले तीन साल से जब से मेरी शादी हुई क्योंकि इमरान और फुरक़ान जो हैं वो पुराने दोस्त हैं तो इस वजह से मैं और सबरीना भी अच्छे काफ़ी अच्छे दोस्त हैं और शायद इसीलिए उनको लग रहा होगा कि हमारी थोड़ी थोड़ी शक्ल मिलती है क्योंकि बेसिक मैं भी बेसिकली मलेशिया से हूँ और सबरीना भी मलेशिया से है। हम दोनों कॉलर हमपोर्स हैं तो इसी वजह से हमारी दोस्ती ज़्यादा है और हम बहने नहीं हैं

तो जो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है अल्लाह के करीब होता है तो उनके साथ अच्छा ही है। तो दो से पांच अच्छा तरफ ही आया। हाँ। तो बात करते हैं पहले सबा कमर की बर्थडे की और सबा कमर के ड्रेस की जिसके बारे में लोग बहुत से लोगों ने कहा कि मोमेन जी बास्त हो गया कुछ बोल नहीं रहा मोमे कुछ कह नहीं रहा यार जो कपड़ों की एक चॉइस होती है ना मेरे मुताबिक देखिए में ईमान और मैं अपने ओपिनियंस का इजहार करते हैं अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे लगता है ऐसे ये से बात ने पहले भी किया कि hmm. कोई कपड़े जो पहनता है वो उस बंदे की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए आइडियली लेकिन अगेन माशरा कल्चर मजहब ये सब एक फैक्टर्स आते हैं तो जो आपके कपड़ों को करते हैं इन्फ्लुएंस अब का मैंने वो ड्रेस पहन लिया बहुत लोगों ने मजहब को लेकर बीच में कि मजहब में अलाउड नहीं है आप किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं भाई पहली बात तो मजहब की बात करें हम सब आई एम श्योर मैं सब की बात कर सकता हम सब इतने सच्चे और परफेक्ट मुसलमान नहीं है

उन बातों को डिफरेंट तरीके से इंटरप्रेट किया गया है जो कुरान में बातें की गई हैं अगेन इंटरप्रिटेशन इंटरप्रिटेशन की बात होती है भी जानती है कि कोई इसको इस तरह इंटरप्रेट करता है कोई इसको किसी और तरीके से करता है।, है बेसिक बात यह है कि इस्लाम में कहा गया है और यह आप मर्द भी गौर सुने मर्द हजरात ने भी मोडिसी के साथ चलना है आंखें झुका के जब सामने खातून हो

रस्ते में एक खातून उन्हें नजर आई तो खातून के बारे में कहा गया कि वो शी वॉज ब्यूटीफुल और शायद उन्होंने ड्रेस प्रॉपर के साथ नहीं किया हुआ था तो जो अलफल थे वो उनको स्टे कर थे तो हज़र मोहम्मद देखा जाए उन्होंने क्या किया उन्होंने उस खातून को नहीं उन्होंने अपने कज़न को कहा कि उनका मुंह साइड पे कर दिया ठीक है और इससे ये साबित होता है कि मैं खातून को वो नहीं कह रहा कि उसने बहुत सही किया उनको भी उन्होंने भी गलत किया लेकिन पहले उन्होंने मर्द को कहा कि आप भी ना देखो तो मर्द हजरात पर भी है कि आप और जहां तक कपड़ों की मर्दों के भी बहुत रूल्स हैं अब अगेन मैं कोई इस्लामिक एक्सपर्ट नहीं हूं बट मैंने जिसने समझने की कोशिश की है बेसिक कोर बात यह है कि आपने ऐसे कपड़े पहने आदमियों ने भी औरतों ने भी जो मोडिस के साथ हो कि आप अगले मतलब तो ऑपोजिट सेक्स को आपने एक सेक्सुअल अट्रैक्शन की बात आती है वो ना हो मॉडस्सी के साथ चले आदमी बहुत रूल्स हैं खबातन के बहुत रूल्स हैं अगेन वो बात है जो आपने चेस्ट को कवर करना है औरतों तो ये एक मस्ट है ये जरूरी Private है को और एक्सैक्टली exactly, और जो सर को कवर करना है अगेन उसमें भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है कुछ लोग कहते हाँ, हैं कि नहीं करना भी। कुछ लोग कहते हैं करना है तो अगेन इंटरप्रिटेशन की बात है बेसिक बात ये है कि हम बेसिकली में नहीं था, हिजाब जो होता है, की के था की, की right. भी, भी, है, तो उनके लिए था ये बट इंटरप्रिटेशन की बात है हाँ। क्या है तो हम कोई एक्सपर्ट नहीं है बट मैं ये जरूर कहना चाहूंगा की में से कोई भी परफेक्ट मुसलमान नहीं है सब गलतियां करते हैं हाँ अगेन जिस लोगों ने कहा कि मुझे गलत कहना चाहिए था भाई सभा कमर ने कपड़े पहन के गलत किया अगर आप लोग इस बात से खुश होते हैं तो मैं कहती तो उन्होंने गलत किया लेकिन मेरा मानना है उन्होंने कभी ये बात कही भी नहीं कि मैं एक आइडियल मुसलमान हूं और मैं आपको दिखा रही हूं कि आपने अपना मजहब मुझसे देख के सीखना है हाँ। उन्होंने कभी बात नहीं अगर उन्होंने बात की होती

मैंने पिछले वीडियो में कहीं ऐसी बात कही कि आप लोगों ने मास्क को फेंक देना है आपने जंगलों की तरह ऐसे भागना है पागल जंगलों की तरह मैंने ऐसा कहीं कहा मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा मैंने ऐसा कहा कि आप अपनी प्रिकॉशंस लें लेकिन दुनिया अब रुक नहीं सकती जो फेज वन में हुआ था कि सब घरों में कुंडियां लगा के बैठ गए थे प्रिकॉशंस ले रहे थे वो अब दोबारा नहीं हो सकता हम सबको बाहर निकल जाए काम अगर आप उसको पार्टी वाले सेंस में ले जाए वो एक अलहदा बात है काम के सेंस में ले जाए वो अलहदा बात है अब अब लास्ट की बात है मैंने खाली करनी नहीं थी मेरा मेरा एक दोस्त है वो लंदन में होता है उसके अबू को कोरोना हो गया ठीक है अब यहाँ पे कोई भी नहीं था ईमान और मैं उसने कॉल की प्लीज अबू को कोरोना हो गया तो ऑब्वियसली हमें लगा कि हमारा फर्ज है एज अ दोस्त एज अ नेबर के जो तो पास में रहते हैं हम लोग अपने प्रिकॉशन लेके हमने उन्हें पिक किया हम उन्हें अस्पताल लेके गए वहां पर उनका कर चेकअप कराया वहां पर स्पेस नहीं थी फिर हम लोग दूसरे अस्पताल ले गए मैं मैं कुंडली मैंने, मैंने कुछ नहीं करना ऐसे नहीं होता इसका फॉलो करें आप जितने भी रूल्स और उनका ध्यान और मैंने ये बात की थी कि आप सबने अपनी अपनी सेफ्टी खुद देनी है आपको दूध पीता बच्चा नहीं है कि मैं क्योंकि नहीं मुझे बताया था यह करना है आप सबको पता है क्या करना है इतना टाइम हो गया अब सबको पता चल गया अब हमारे ऊपर भी नहीं है कि हमने किसी को बताने कि मास्क पहने के ना पहने

अल्लाह ने सबकी मौत लिखी है तो मैं कहने कि ये भी कह रहा हूँ अगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन शायद मुझसे अग्री करे ना करे मुझे लगता है कि आप प्रिकॉशन ले आप अपनी सेफ्टी लें बट अगर कोरोना होना है तो बहुत लोगों का मैंने सुना है कि उनको प्रिकॉशन साथ ही हो गया हाँ, है ईमान अब इतने लोग मेरा एक है वो प्रिकॉशन ले रहा है बट इतने

और से रोक रहा है इतनी है लोग इतने हैं तो अगर लोग जो ले रहे हैं उनको नहीं आएगा, नहीं आएगा। बहुत से इस तरह आप जो आपको लगता है समझदार इंसान है आप लोग पढ़े रिसर्च करें और कर ले जिन लोगों ने बात की मोमिन आप बात करें रिसर्च करने की जो हमारी आम आवाम है वो कहाँ से रिसर्च करे तो आपको लग रहा है आपके आम आवाम बारह हजार की लगा सकती है वैक्सीन

सबकी बारी आएगी सबका टाइम आएगा सबका नंबर आएगा मैं सबका टाइम आएगा टाइम बस और इस हफ्ते आ गया रेशम का हुआ कुछ यू कि रेशम मोटर पे सफर कर रही थी रस्ते में अच्छा। <laughs> रस्ते में जो रेस्टिंग एरिया आता है वहां पर रेशम <laughs> <laughs> वहां पर जो जब गाड़ी रुकी तो रेशम देखा बस से काफी लोग उतर के आ रहे हैं बस से काफी लोग उतर के आ रहे हैं और किसने और किसने मास्क किसने नहीं पहना हुआ तो रेशम ने अपना फोन निकाल इस के इस बात की रेशम ने एक वीडियो बनाई और रेशम ने ये आवाज उठाने की कोशिश की अवेयरनेस देने की कोशिश की ये जो थर्ड वेव है ये बहुत खतरनाक है हम सबको मास्क पहनना बहुत जरूरी है और प्रिकॉशन को लेना बहुत जरूरी है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया बहुत सपोर्ट किया रेशम ने एक अच्छा मैसेज दिया अपने प्लेटफॉर्म का अच्छा इस्तेमाल किया लेकिन कुछ ही घंटों बाद जयदेशन की गाड़ी जाके पहुंची अपने डेस्टिनेशन पे मैं भी एक तो ब्रेक और रेशम का वेन्यू था जहां रेशम ने जाना था वो थी एक बर्थडे पार्टी और जब उस बर्थडे पार्टी की तस्वीर आई मंजर आम पर और कुछ भी और कुछ वीडियोस भी आई कुछ सेल्फी वीडियोस थी तो लोगों ने सवाल उठाया कि भाई रेशम ये कैसा दोगलापन है ये कैसी हिपोक्रेसी है सब... फानी बात ये कि उसी दिन हो गया अगर थोड़ी देर बात होता चलो फिर से टल जाती बात उसी दिन सुबह सुबह आप कहे मास्क कहाँ है आप रात पूछते हैं है, मास्क कहाँ है।, है।, है तो ये हुई कुछ एक छोटी सी कंट्रोवर्सी तो लोगों ने रेशम की भी मिट्टी बलीत की लोगों सवाल लोगों के बड़े सवाल थे मास्क की बात थी अब आपका मास्क है तो रेशम से हमने बात की पूछा रेशम आप क्या कहना तो रेशम हमें कहा मोमिन मैंने जो वीडियो बनाई थी वो ये सोचकर बनाई थी कि मैंने ये देखा कि बहुत सारे लोग बाहर खड़े हैं और उनके हाथ में किसी के हाथ में भी मास्क नहीं था और जब आप बहुत लंबा सफ़र करते हैं ट्रैवल करते हैं तो बंद कार के अंदर या बंद बस के अंदर आप बग़ैर मास्क के ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो कोविड है ये आपको पता है कि ये जो वेरिएंट है जो यूके से आया है ये तेज़ी से लोगों के ऑर्गन्स को फेल कर रहा है और क्लॉटिंग uh, हो रही है क्योंकि मेरी सबसे बड़ी बहन को अभी वो मौत के मुंह से वापस आई है मैं अच्छी तरह ये समझ सकती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आ, आ, जिस बर्थडे डिनर पर गई थी कवाली पर गई थी कि मैंने मास्क नहीं पहना था मैंने होटल से निकलते हुए ही मास्क पहना हुआ था गाड़ी में भी था और वहाँ जाकर भी मैंने मास्क नहीं उतारा सिर्फ एक लम्हे के लिए मास्क मैंने उतारा जब मैंने हिरामानी मुझसे बहुत प्यार से मिली वो गले लगी तो वीडियो बनाने के लिए और पिक्चर्स लेने के लिए मास्क उतारा मैंने आई थिंक दो दो मिनट के लिए अदरवाइज़ मैंने मास्क पहना हुआ था लेकिन लोगों ने मुझे आ, हिपोक्रेट कहा यकीन माने मैं बिल्कुल भी हिपोक्रेट नहीं हूँ अगर आपको ऐसा लगा है या मेरे किसी आ, मतलब किसी भी तरह से आपको लगा है कि मैंने आपको किसी को हर्ट किया है या मैंने मुझे ये वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी तो मैं माजरत करती हूँ तमाम आ, देखने वालों से अपने तमाम आ, जो मेरे फैंस हैं और जो लोग मुझसे नाराज़ हुए उन तमाम लोगों से मैं माजरत चाहती हूँ मैं आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगी लेकिन ऐसा नहीं था कि मैंने बर्थडे डिनर पर मास्क नहीं पहना हुआ था मैंने पहना हुआ था तो घूम फिर कर बात वही आती है कि आप नहीं जानते कि अगला बंदा प्रिकॉशन ले रहा है कि नहीं वो को फॉलो कर रहा है कि नहीं ने सबूत के तौर पर क्योंकि वो जानती थी कि अवाम सवाल फिर उठाएगी उन्होंने एक वीडियो भेजी है जहाँ वो अपने होटल से जब निकल रही हैं तो मास्क पहनती हुई आपको नजर आएंगी हमारे साथ वीडियो प्ले भी करें आप देख सकते हैं तो वही बात है कि मास्क लोग पहनते हैं और कोई तस्वीर उतारते वक्त मास्क उतार रहा है या वीडियो उतारते वक्त वीडियो बनाते वक्त मास्क उतार रहे हैं तो अगेन उनके ऊपर है उन्हें पता है उन्हें क्या प्रिकॉशन लेने है उन्हें पता है कोरोना के क्या रिस्क अटैस्ट है किसी को बताने की जरूरत नहीं है है ना क्योंकि और प्लस आपको एंटरटेनमेंट ही मिल रही है इंस्टा पे देखने के लिए कुछ अगर मास्क पहने रहेंगे तो कुछ भी नहीं बनेगा सब दूर ही रहेंगे तो कुछ भी नहीं कंटेंट बनेगा आप थोड़ा थोड़ा खुशी हो नहीं कहीं नहीं पता है हर कोई अब देखो ये एक न्यू नॉर्मल है कोरोना अभी आई होप इन इन जल्द चला जाए लग नहीं रहा कि कहीं खत्म हो रहा है

वह कुछ चूँकि पाकिस्तानी मीडिया में ख़बर चली कि मीरा को पागल डिक्लेयर किया गया है और मीरा का मेंटल असाइलम में यू नो उन्हें वहाँ पर रखा जा रहा है और ये मीरा की वालदा ने बात की थी पाकिस्तानी मीडिया से कि मैं बात नहीं कर सकी अपनी बेटी से आप लोग कुछ मदद करें मेरी उसके बाद खबर है कि मीरा का वापस वहाँ से डिटेन किया जा रहा है और मीरा को पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है इसी बीच में मीरा ने एक पेड पोस्ट लगा दी इंस्टाग्राम पे बड़ी अजीबोगरीब से मतलब इस इस वाक़े के बिल्कुल जब जोरों शोरों में था कि हो क्या रहा है तो मीरा ने लगा दिया कि के आप लोग कैसी डबल मीनिंग बातें कर रहे हैं? ये क्या आप लोग डबल मीनिंग बातें लेकर बैठ गए हैं? मैं कर। आपको मिलेगी से ज़्यादा डिस्काउंट। तो मतलब कि हमने कहा है मतलब मीरा मतलब सही है उनके बाद हाँ। उनका इंस्टाग्राम एक्सेस है उसके बाद मीरा की एक वीडियो आ गई जहाँ वो वैक्सीन रही थी तो थोड़ा ये मामला थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया कंफ्यूजिंग हो गया कि एग्जैक्टली exactly हो क्या रहा है सबको लगा स्टंट है कोई जैसे मीरा पब्लिसिटी स्टंट है झूठ बोला जा रहा है तो मैंने सोचा कि हम बात करते हैं जैन मदनी से जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं और जो खबर उन्होंने पहले ब्रेक की थी हमने कहा एग्जैक्टली exactly हुआ क्या है तो उन्होंने मुझे पूरी कहानी सुनाई और वो कहानी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ हुआ कुछ यूं कि मीरा थी बाहर अमेरिका में अपने अपने खावन कैप्टन बीत और अपने ससुर के साथ वहाँ पर मीरा ने वैक्सीन लगाई जिसकी वीडियो अब मंजिल यहाँ पर आ चुकी है वीडियो में की बहुत ही अजीब सी थी थोड़ी सी <laughs> वाक्सीन, तो वाक्सीन है वैक्सीन तो वैक्सीन के कुछ साइड इफेक्ट्स तो होते हैं जो अक्सर लोगों लोग ज्यादा भी फील हो जाते हैं तो मीरा की तबीयत थोड़ी खराब हुई नेक्स्ट डे तो ऑब्वियस बात है मीरा को जाना था अस्पताल क्योंकि उन्होंने बताया था ना अगर आपको कुछ कुछ, कुछ साइड इफेक्ट आए तो आप इस डॉक्टर के साथ जाके कंसल्ट करें और आपको जो भी आगे उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे तो मीरा जब पहुंची अस्पताल तो वहाँ पे था बहुत ज्यादा रश अब उस रश में मीरा को चाहिए था प्रोटोकॉल ठीक है

तो फिर वहाँ मेरा उन्होंने फ़्लाइट से कहा सॉरी आप नहीं बैठ सकती तो मीरा फिर अमेरिका में रहेगी तो अब लेटेस्ट खबरें जो आई आ रही हैं सोशल मीडिया में ये है कि मीरा ह्यूस्टन में है हाँ। वहाँ पे वो कोई प्रोग्राम में पार्ट लेने वाली हैं जो उनके जो प्रमोटर हैं उनके कुछ कोर्ट्स आए हैं सामने सुनने में ये भी आ रहा है कि मीरा झूठ बोल रही हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि वो डॉली बिन्नर के भाई के साथ रह रही हैं और वो थोड़े हालात ख़राब भी हैं दूसरा ये भी आ रहा है कि मीरा शो करने वाली हैं तो ये ज़रा एक हाँ गोता का ड्राइवर है जो कुमार है मीरा जी को तो मीरा के पास ना एक अच्छी शुक्र कंपनी है <laughs> सपोर्ट है

इन जो क्या हमारी छोटी ऑब्वियसली घर में जोक होती है हाँ। तो हमारी छोटी सी हो होती है अम्मा के साथ ही पाकिस्तान वापस आ जाए अगर वो आना चाहती है मेरा तो आना चाहती नहीं पाकिस्तान वापस तो हां आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 के बारे में <laughs>

तो जब सहीफा ने इन तस्वीरों को शेयर किया तो लोगों ने बहुत से कमेंट्स का इजहार किया लोगों ने क्या कहा मान लोगों ने सवाल पूछे मैं उनकी टोन में बताने की कोशिश करती हूँ इतनी अमीर हो तो अपने कपड़े क्यों बेच रही हो शोहर कपड़े नहीं लेके देता तुम्हें ओए बीबी -बी कौन लेगा तुमसे तुम्हारे यूज कपड़े वो भी इतने महंगे चल चल <laughs> इससे बेहतर है तुम किसी गरीब को दे दो ये कपड़े बिल्कुल

Um, आप लोगों ने मुझसे एक सवाल पूछा और uh, उसका ये जवाब है कि uh, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैंने uh, बैकलाश आने के बाद ये सोचा कि यू नो लेट्स पुट द मनी टू चैरिटी ऐसा बिल्कुल भी नहीं था um, मैं काफ़ी सालों से अपने कपड़े इसी तरह दे देती हूँ आई स्टे रिमेम्बर दैट मैंने एक दफ़ा अपना पूरा क्लोज़ेट जो है वो डोनेट कर दिया था और वो तीन कार्टन थे कपड़ों के जिसमें से एक कार्टन में सिर्फ कपड़े थे जिनमें टैग्स लगे हुए थे एंड uh, तब ऑबियसली आई वाज क्वाइट जंगर एंड मैंने उन चीज़ों के बारे में डीपली नहीं सोचा बट ना हो वैन आई थाट कि यू नो मैं अपने कपड़े दे, दे देती हूँ चैरिटी uh, uh, में या मैं अपने कपड़े किसी को दे देती हूँ तो मैंने ये सोचा कि किसी भी गरीब को मेरी पंद्रह हज़ार रुपये की जैकेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको सिर्फ अपनी ठंड रोकनी है तो वट इज़ द पॉइंट ऑफ गिविंग हिम पंद्रह हज़ार रुपए की जैकेट राधर आई कैन सेल इट ऑफ फॉर पंद्रह हज़ार गेर एम अ न्यू जैकेट फॉर दो हज़ार एंड गिव हिम थर्टीन थाउजेंड का कैश सो दैट वॉज द होल आइडिया एंड दैट इज स्टिल द होल आइडिया जहाँ तक क्लॉज um, खाली करने की बात है ऑनेस्टली दैट वॉज इन द्लान क्योंकि मुझे सालों से आदत है तकरीबन मैं ये चीज़ दस साल से कर रही हूँ मैं हर दो साल के बाद अपने सारे कपड़े जो है दे देती दे थी सो दैट वॉज इन द इनिशियल आइडिया की नो मुझे अपनी क्लॉज स्पेस खाली करनी है एंड uh, मैंने अपने कपड़े देने और फिर बैकलैश आया और मैंने फिर सोचा कि ओह इसको तो कवर करते हैं और चैरिटी नो दिस वॉज इन द आइडिया इट ऑल बिकॉज आई हैव बिन डोइंग दिस सेंस फॉर अबाउट तो बेसिकली बेसिक का मेन मकसद यही था कि वो इस थ्रिफ्ट सेल के जरिए कुछ पैसे इकट्ठे कर सके जिससे वो मदद कर सके हाँ। जरूरतमंद लोगों की और यहां मैं एक बात ये भी ऐड करना चाहूंगा कि जो थ्रिफ्ट सेल का जो कॉन्सेप्ट है दुनिया भर में जो है

सिरक शादी का वो था लहंगा भी था वो हाँ वो तो काफी देर से बेचने की कोशिश कर रही थी बट आई डोंट नो मैं शादी का लहंगा तो कभी ना बेचू क्यों वो आप अच्छा, आगे हाँ। कभी बच्चे पहन लेंगे कुछ हो जाएगी वो उसका कोई ना कोई पीस अब यूज कर लेते तो इतना बड़ा इवेंट होता नहीं हाँ, पर ये सहीफा का वो हाँ, है, वो लाइफ में जो कहते हैं सब चीजों से इमोशनल अटैचमेंट नहीं करना चाहती क्या

<laughs> तो इस तरह के तुक्के हमेशा नहीं लगते ईमान कभी कभी लगते हैं खैर हम बात कर रहे थे सहीफा जबाल की थ्रिफ्ट सेल के बारे में और उनका जो एक खूबसूरत इंस्टीट्यूट था जहां उन्होंने बहुत सारे पैसे रेज किए अच्छा बहुत सारे पैसे रेस किए जो अब चैरिटी में जाएंगे मदर इन लॉ भी भी अब इसमें हाँ, वो हाँ। उन्होंने भी अपने कपड़े दिए पहले उन्होंने माशा फाइव हंड्रेड के रेज किए पांच लाख अब वो थ्री हंड्रेड की और उम्मीद रख रहे हैं उनका गोल ही है तो ये। 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 really फॉलो करें नहीं कह रहा हूँ वैसे भी कह रहा हूँ मतलब कि फिल्म के कपड़े यू नो ऑन सेल हो हाँ. इंडिया में बहुत होता है इंटरनेशनली बहुत होता है पाकिस्तान में मैंने देखा नहीं कभी इतना होता है मैं होगा मैं देखा होगा हां मैं देखा होगा गाने कोई फेमस चल अगर अगर तुम्हें एक कोई वार्डरोब किसी की भी मतलब कोई एक आइटम ले सकती हो फिल्म के ड्रामे में तो किसको लेना चाहिए चीज क्या लेना चाहिए मतलब एक पूरा लुक या कुछ कोई दिमाग में आ रहा है कुछ वैसे हमारी फिल्मों के वैसे, वैसे अनफॉर्चूनेटली हमारी फिल्मों के इतने स्टैंड आउटलुक्स होते भी नहीं वैसे पहले मुझे हारने का परवाज जो उनका गाने का आ रहा था आज शहनाई बाजे नाचे रे हाँ। नाचे लहंगा तो मेरे को शरीयत नंबर वाला वो जो बनेटा वाला वो जो कुर्ता अच्छा हां आई थिंक उमर सईद का है वैसे वो हां उमर सईद लाउड भी होगा ना सुन ले और पिंक कितना मजे का होगा इस कुछ हो पता नहीं क्यों नहीं करते वैसे कर सकते हैं ये हां कर सकते हैं बहुत अच्छा मार्केटिंग स्टंट भी होगा वैसे टू बी ऑनेस्ट ना द ब्रांड्स आल्सो हां लेट्स होप और सेलिब्रिटीज इतना ही चीज़ें करें और हमें मज़ेदार कपड़े मिलें खैर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बात करते हैं पॉइंट नंबर फोर के बारे में हॉट फाइव की हमारी चौथी पोस्ट है सेलिब्रेशन के बारे में सेलिब्रेशन मैंने यहाँ बना लिया सबसे पहले बात करेंगे शादी के बारे में शादी हुई मनशा पाशा और जिब्रान नासिर की दोनों बहुत खूबसूरत लग रहे थे हाँ। बहुत 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 वाइट पहना था, बहुत हाँ, वाई वाई बहुत था। बहुत दोनों ने, ही मिनिमलिस्टिक सी वाइब्स आ रही थी, अपने बाल चलो काटते नहीं स्टाइल कर लेते कुछ उतनी लगता है इनकी सोशल मीडिया पे चर्चा काफी देर से हो रही है मुझे याद है किसी दोस्त की शादी में इन्होंने डांस किया था बहुत अच्छा डांस था और इसी बहुत अच्छे डांस के बाद ये चर्चा शुरू होगी कि आर दे सीइंग ईच आर दे नॉट इसके बाद फिर एक सिलसिला शुरू होगा गया जहाँ पे जिब्रान और मंशा साथ इकट्ठे आने लगे इवेंट्स वगैरह पे और फिर लास्ट इनकी होगी इंगेजमेंट और इस साल होगी इनकी शादी फुल फेड शादी तो नहीं हुई एक एक निकाह हुआ है जितना हमें सुनने में आया है कि एक फुल फुल्ड शादी वॉज ऑन द दर्ड प्रॉपर शादी होनी थी धूम धड़के के साथ लेकिन हालात थोड़े ख़राब हो गए क्योंकि अगर आप कुछ महीने पहले जाएं जान तक हालात काफ़ी बेहतर हो रहे थे लग रहा था चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं बट फेब मार्च ऑन फिर से खराब हो गए तो इन्होंने कहा बेहतर है कि हम लोग एक यू नो एक इंटरमेट शादी कर लें एक छोटा सा विद क्लोज फैमिली इवेंट कर लें हमें तो यही सुनने में आया कि कपड़े तक बन चुके थे जो शादी के लिए यू नो पहनने थे

जिसमें नजर आए वही यूजुअल लॉट एमन थी मिनाल थी सबूर थी किंजा थी किंजा थी किंजा सबूर तक तो दे बंद गए एक दुपट्टे के साथ इकट्ठी होंगी जहां भी होंगे <laughs> और उष्णा शाह भी थी उष्णा को मैंने नहीं देखा अभी बच्चे सा उष्णा शाह थी और वही जो इनका एक यूजुअल लॉट है क्यूट सी बर्थडे थी जहां पे केक एसएन थे एसएन मोसन क्राम थे मोसन क्राम

ंग she, she हा बहुत बहुत यंग तो हैपी बर्थडे टू यू सुनीता मार्शल एंड टू यू हसन अहमद दोनों ही बर्थडे ना लास्टली एक बेबी की बर्थडे हुई

हॉट फाइव की हमारी आखिरी पोस्ट है कुछ इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे समीना अहमद जी के इंटरनेशनल डेब्यू के बारे में जी हां समीना अहमद जी हमें नजर आएंगी एक हॉलीवुड के प्रोजेक्ट में और इस बात को रिवील किया मंजर से भाई साहब ने बहुत ही क्यूट तरीके से बेसिकली किसने उनसे पूछा कि वेर समीना जी तो उन्होंने कहा ये क्या था? तू बता दे। <laughs> उन्होंने कहा, तो बेसिकली लोगों ने फिर डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की कौन सा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हो सकता है क्योंकि तो ऑब्वियसली बात है यू बातें आज से मीना जी अगर वो कॉन्टैक्ट होते हैं आप रिवील नहीं बातें अनलेस वो लोग खुद ऑफिशियली अनाउंस करें तो सुनने में आया कि फरान अख्तर भी वहाँ भी शूट करें इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लोगों ने डॉट्स कनेक्ट किए और पता चला कि मिस मार्बल

बोल मेरा था गले मांगे सूख रहे खैर तो इस प्रोजेक्ट में समीना अहमद जी के नाम में जुड़ गए तो हम लोग और एक्साइटेड है इसके साथ बात करेंगे एक और तो नहीं है इसके साथ हम बात करेंगे एक और प्रोजेक्ट के बारे में ईमान तो बिल्कुल चिल माहौल में बैठी है चिल माहौल मिठे चौले मारने का आखिरी पॉइंट है मैंने जो करना है मैं मैं लिपस्टिक कर अपने नाखून भी काट लू मैं किताब पकड़ लू किताब पढ़ पकड़ से कोई मैं नेल्स भी काटने

है, इसी के साथ हमारा हॉट फाइव होता है खत्म लेकिन आज हम लोग करेंगे एक सेगमेंट जो बहुत देर बाद कर रहा है कम बैक जिसमें हम लोग आपके सवालों देंगे तो सेगमेंट हैश 411 वोर वन वन में सबसे पहले लोगों ने पूछा क्या मोहे मिर्जा और सनम सेद की शादी हो गई है

वेल बेसिकली काफ़ी लोग ये बात ऑलरेडी समझ चुके हैं कि माहरा ख़ान और कुबरा खान इकट्ठे नजर आने वाले हैं देन अगेन ये सब बातें जो हैं अभी कन्फर्म नहीं हुई ये कॉन्फर्मेशन नहीं है ये वही बातें जो इंडस्ट्री बज़ है आप ब्रेक पैंट कह लें आप उड़ती उठती बातें कह लें चिड़िया उन्हें बता दी ये बातें <laughs> कह लें कि कुबरा खान और माहिरा खान इकट्ठे नज़र आएंगे और सुनने में ये भी आ रहा है कि उस्मान मुख्तार विल बी द लीडिंग मैन इन दिस शो एक बायोपिक है जो हमें सुनने में आया है

फीडबैक कौन है ईमान को फॉलो कर लीजिए मुझे फॉलो कर लीजिए और देखते रहे वन